I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये हालत है मुलाकात के बाद ऐसा लगता है पूरा प्यार गले में अटक के रह गया है। शट अप आवाज भी कुछ। मैंने शेरी फरहत पढ़ा, लैला मजनू पढ़ा, रोमियो जूलियट भी पढ़ा। इश्क ने बड़े बड़े रंग जमाए, मगर ऐसा इश्क मैंने दुनिया की किसी हिस्ट्री में नहीं देखा सरकार, जिसके पहले हल्ले ने आशिक का गला दबा दिया। तुम बकवास बंद करो या नहीं। हेलो अजय जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अभी अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। हमारे बारे में सोच रहे हैं? हाँ सोच रहे थे। आप तो पिताजी से बातों में ऐसे मसरूफ हैं, हम लोगों को भूल ही गए। ऐसी बात तो नहीं है। आपने चाय नहीं पी, कल आप हमारे साथ चाय पियेंगे जी। कितने बजे? वही 4 बजे, आप आइएगा। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। बंद करो ये नाटक, कब तक उसे परेशान करती रहोगी? इन्हें घर तक छोड़ना चाहिए, फिर इसका नाम नहीं लेंगे। बाय बाय। रामू जी। बीबी जी। गोंद ले आओ। गोंद। गोंद बीबी जी? अरे वो शीशी माँ पड़ी है ना, वो। और सुनो, आशा बीबी जी को देना। आशा, तुम इसकी आधी बोतल गुलाब जामुन में डाल दो। नहीं नहीं, अरे वही रंग है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। डाल दो। रामो मिर्ची ले आओ जल्दी से। लो बीबी जी, मिर्ची। हाँ ले आओ। लो बीबी जी। अरे इतने मिर्ची? हाँ, इसके ऐसे दही बड़े बनाओ, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा थी इतनी मिर्च है। और सुनो, वो नीम के पत्ते है ना, उसकी चाय बनाओ। अरे वाह, इतनी सारी चीजें और सब मेरे लिए? ये सब आशा ने बनाई है, बेचारी सुबह से लगी रही थी। स्वीट, स्वीट। मैंने कहा भी कुछ मदद करो, कहने लगी नहीं, सब अपने हाथों से बनाऊंगी। देखिए जी, ये आपकी बहन सिर्फ खाना बनाना ही जानती है या कुछ बात भी कर सकती है? अजीब, बहुत बातें करती है, वक्त आने दीजिए। आशा तुम इन्हें चाय पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जरा काम है। जी जी। आशा तुम इनकी अच्छी तरह खातिर करना। आप कुछ लीजिए ना। वाह वाह, आप तो बोलती भी हैं। आप दही बड़े, पकोड़े, गुलाब जामुन कुछ खाएंगे? जो कुछ आप खिलाएंगी अपने हाथों से, मैं बड़ी खुशी से खा लूंगा। तो दही बड़े खाइए। लाइए। खाइए ना। जी हाँ जी हाँ। अरे वाह वाह, दही बड़े कितने खूबसूरत बने हैं, कितने खूबसूरत बने हैं जी। आई मीन डिलीशियस, डिलीशियस। पहले आप खाकर तो देखिए। जी हाँ, जरूर जरूर। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, क्या दही बड़े बनाए हैं आपने, ये आपने खुद बनाया है ना? जी। वाह वाह, क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं आपने, बहुत खूब। थोड़े और दीजिए। जी नहीं, अब आप कुछ मीठा खाइए। जैसे आपकी इच्छा, लाइए। इनको भी आपके हाथ लगे हैं जी? अच्छा, फिर तो बहुत लजीज होंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। लाइए चाय, लाइए। नहीं नहीं। क्यों? ये तो नीम के पत्ते हैं, चाय नहीं। ये तो नीम के पत्ते हैं, अगर आप जहर भी देती तो खुशी से पी जाता, लेकिन आप एक वादा कीजिए, ये मुलाकात यहीं तक खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर का साथ बन जाएगी जी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ आशा। देखिए आप गलत समझ रहे हैं,
मैं कल्पना की बहन नहीं, उसकी सहेली हूँ। मैं तो शहर में भी नहीं रहती, हम यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं, जहाँ मेरे भाई साहब एक मामूली डॉक्टर हैं, डॉक्टर छिप्पर। डॉक्टर छिब्बर, ये बोर्ड मैं मरीज। आप तो बोर्ड है, मैं अंदर आ सकता हूं? बारे पाले बारे जनबारे डॉक्टर साहब, एक मरीज आया है, मरीज। क्या कहा? मरीज आया है? अरे तो फिर उसको मरने दो, मेरा गाने का वक्त है। अरे तुम्हारे जैसे डॉक्टर के पास आया है तो मर तो जाएगा ही, देख तो लो। आ, 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 मुझे देखना चाहिए। अरे सुन दे, वो मरीज किस प्रकार का है? मुझे तो देखने में मरीज ही नहीं लगता डॉक्टर। तो फिर क्या लगता है? वो बहुत लंबा है। अरे तो क्या हुआ, लंबे आदमी बीमार नहीं पड़ते क्या? लेकिन वो तो बहुत तगड़ा भी है डॉक्टर। अरे घबरा नहीं, एक गोली खाने की देर है, सब ठीक हो जाए, चल चले। मेरी आंखें कहां है? भगवान आ गए, मेरे मतलब चश्मा, मेरा चश्मा, चश्मा, चश्मा। अरे तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जा मरीज को पकड़ कर रख, कहीं भाग ना जाए। भाग भाग चश्मा। अरे इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, कहां गया? अरे मरीज साहब कहां गायब हो गए? अभी तो आपने डॉक्टर साहब की गोली भी नहीं खाई। क्यों क्यों, डॉक्टर साहब आ गए? ओह अरे आप यहाँ, ये तो मेरी जगह है। तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे ये तो मुझे पता नहीं, देखिए मेहरबानी करके आप बाहर आ जाइए, नहीं तो डॉक्टर साहब आपको कंपाउंडर और मुझे। तेरी पायले, अरे आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ माफ कीजिएगा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। दरअसल मैं फंस गया था, कुछ डॉक्टर लोग आसाम से मेरी सलाह लेने के लिए आ गए। कमबख्त ये शोहरत भी बहुत बुरी चीज है, लोग एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठने देते। हाँ तो आप फरमाइए कि आपको। अबे ओ उल्लू के पट्टे, तू यहाँ क्यों बैठा है? उठ खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब बता मरीज कहाँ है? अरे तू बीच में कहाँ गर्दन डाल रहा है? बाहर निकाल, बाहर निकाल। तू फिर गर्दन बीच में डाल रहा है, मरीज कहाँ है ये बता। नमस्ते जी, नमस्ते। आप बैठिए, 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 तशरीफ रखिए। तो फरमाइए आपको क्या तकलीफ है? जी बड़ी गहरी तकलीफ है। गहरी क्या मतलब? जी दिल में हल्का हल्का दर्द रहता है। दिल का दर्द और इस छोटे सी उम्र में? जी ये दर्द इसी उम्र में होता है। हाँ। मेरा मतलब है। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, कहो कहो। कह दूं? कह दो जी। मेरा मतलब है मीठा मीठा दर्द। ओ मीठा मीठा दर्द है, मगर बरखुरदार ये दर्द भी कोई खाने की चीज है जो खट्टा मीठा होगा? खैर कोई बात नहीं, तुम आगे बताओ और क्या होता है। चलो बता जी। नींद नहीं आती।
नींद नहीं आती। और सपने आते रहते हैं। सपने अरे बरखुरदार, जब नींद ही नहीं आती तो सपने कहाँ से आएंगे जी? जब सपने आते हैं तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपने आते हैं। सपने नींद खैर कोई बात नहीं। सपने किस प्रकार के आते हैं जी? बड़े खुशगवार, बड़े सुंदर। तुम्हारा मतलब है कि फूल, बागीचे और कुछ झरने, झीलें, पहाड़ वहाड़, ऐसी चीजें? इससे भी सुंदर। समझ गया, लड़कियों के सपने आते हैं जी? नहीं, लड़कियों के नहीं, सिर्फ एक लड़की के। वो लड़की कैसी है जी? वो कैसी है, उसका रूप रंग कैसा है, काली है, गोरी है, उसका हुलिया क्या है, नैन नक्श कैसे हैं? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं? देखो बरखुरदार, क्या तुम्हें फिर सपना आने लगा डॉक्टर साहब? हाँ, सपना सच हो गया। सच हो गया। देखो बरखुरदार, तुम किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। सिर्फ आपके पास मेरा इलाज है, मेरा मतलब है आप दोनों के पास। हम दोनों के पास? अरे क्यों बे, है इलाज? नहीं है, नहीं है बरगुदार, मैंने तो डॉक्टरी छोड़ दी हुई है। मैं तो आज तक चटनी रगड़ता हूँ, पक्के गाने गाता हूँ, बाजे पायल। आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे दिल की हालत है लिखी हुई, आप जरा गौर से पढ़िएगा, मेरा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गधा कहीं का पागल को मरीज बनाकर यहाँ बिठा दी है। मान्यवर डॉक्टर साहब, आप मुझे नहीं जानते, मगर आप हमारे खानदान से वाकिफ जरूर होंगे, मगर मैं तो कभी पागलखाने किया नहीं। खाक सार पद्मपति घराने का चिराग है ये, ठाकुर वरिंद्र प्रताप सिंह जी का इकलौता बेटा है। मैं कुछ और ही समझ गया, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मगर दिल के हाथों मजबूर हूँ। ओह, मैं आपकी छोटी बहन आशा को जी जान से प्यार करता हूँ। आशा और प्यार, मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अपने संसार को स्वर्ग बना लूंगा। ओह, आपका दास अजय। अरे ओ शांति शांति, दवाखाने में मरीज की जगह मजनू आ गया। मजनू, मैं चाहता हूँ शाम को वहीं मिलेंगे, तुम सब संभाल लेना। ओके, बाय बाय। आई लव यू। अरे जानती बाजे रिफाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है? एक पागल रईस आया था, कहने लगा कि मैं शांति से शादी करना चाहता हूँ। मेरा मतलब कहता था कि मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ। पद्मपति घराने का लड़का है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हाथी बांधोगे कहाँ, इतनी हैसियत है तुम्हारी? अरे गोली मारो हसीियत को जी, अगर वो पैसे का रईस है तो हम भी दिल के रईस हैं, लड़का मिल गया बाकी भाग्य की बातें हैं। अरे पहले लड़की से पूछ लेना चाहिए। आशा, अरे मेरी आशा, इधर आ, इधर इधर। तूने वो लड़का देखा? कौन लड़का? अरे वो अभी जो मुझे चिट्ठी देकर गया है। नहीं, झूठ बोलती है, पता तुम्हें पसंद है, बोल। अरे बोल ना। जानती इसे पसंद है, याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं भी ऐसे ही शर्मा कर चला गया था। आशा, क्या बात है आशा? भैया ने क्या कहा? मेरी चिट्ठी पढ़कर बिगड़ तो नहीं गए? सब ठीक है ना आशा? आशा, आशा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अजय, कुछ भी ठीक नहीं।
ये तुम क्या कह रही हो? भैया ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ। लेकिन क्यों, किस लिए, क्या कमी है मुझमें? मैं अपने भैया के कहने के बाहर नहीं जा सकती। आशा, बस यूं ही समझिए, तो अजनबी थोड़ी देर के लिए जिंदगी के दौराहे पे मिले, फिर अपनी अपनी राह पे चल दिए, मुझे भूल जाइएगा अजय। ऐसा ना कहो आशा, ऐसा ना कहो। आशा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रही। तुम कुछ कह रही हो आशा, और तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। आशा सच बताओ, आशा क्या हुआ? प्लीज आशा, प्लीज। अरे पागल, भैया मान गए हैं, मान गए हैं, मान गए हैं। भैया मान गए हैं? भैया मान गए हैं। मान गए अजय, अजय, अजय। भैया मान गए? मान लीजिए, अगर भैया ने इनकार कर दिया होता तो मैं मर गया होता। जाइए जाइए, दो चार महीनों में आशा भूली हुई कहानी बन जाती, दुनिया यूं ही रहती, हवा यूं ही आपके बालों से खेलती रहती, फूल यूं ही खिलते, नजारे यूं ही रंगीन रहते। ये तो सब कुछ होता आशा, लेकिन ये आंखें कहां होती जिनमें डूब कर मैं ये सब कुछ देख सकता। अरे ये क्या? मां एक बात बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। अरे वाह, क्या बात है, आज माँ बड़ी अच्छी लग रही है। माँ क्या बताओ, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि बहुत ही अच्छी हो। और माँ तू तो अच्छी हो ही, लेकिन ये तुम्हारा बेटा है ना, ये भी थोड़ा सा अच्छा है। कैसे? जिस बात के लिए तुमने मुझे 6 हफ्ते का टाइम दिया था ना, वो बात तो मैंने 2 हफ्ते में यूं पूरी कर दी। कौन सी बात? माँ बस तुम चल के उसे एक बार देख लो, और मैं ये वादा करता हूँ जब तुम उसे देखोगी ना, तो उसे फौरन अपनी बहू बना के घर ले आओगी। ये बात है, मगर बेटा वो लड़की है कौन? माँ ये ना पूछो कि वो लड़की कौन है, ये पूछो कि वो लड़की कैसी है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये बात है तो हम जरूर उन आंखों को देखेंगे। सच माँ? तो ठीक है, मैंने उससे कहा था कि शनिवार के दिन मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर लेके आऊंगा। शनिवार को? हाँ। पागल हो गया है क्या, शनिवार को कोई ऐसे शुभ काम से जाता है क्या? हम आज ही जाएंगे। लेकिन माँ उन्होंने शनिवार की तैयारियां। अजय हम आज ही जाएंगे, जाओ कपड़े बदल कर। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.